Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are discussing yet another stock. The name of the stock is Bajaj Electricals Limited. Let us go to its profile. Bajaj Electricals Limited is a part of Bajaj Group of Companies and is a leading FMCG company spread across consumer product, appliances, fans, lighting, exports and EPC illumination, transmission towers and power distribution. It also has its presence in premium home appliances and cookware segment with brands like Morphy, Richards and Nerlac. So Bajaj Electricals एक FMCG कंपनी है और इसका प्रेजेंस अलग अलग सेक्टर्स में है. द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 14,196. सो एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1233. 52 वीक हाई 1589 एंड लो है 858. इट्स बुक वैल्यू इज 151. सो प्राइस टू बुक रेशियो इज 8.18. इसका स्टॉक पी 71 है और इंडस्ट्री पी जो चल रहा है वो 46.6. सो ये थोड़ा महंगा स्टॉक है. प्रॉफिट ग्रोथ 7.56% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.26%. लेट अस गो टू दिस वन ईयर चार्ट. वी कैन फाइंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज. नाउ प्रोज एंड कॉन्स. कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट. कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है. कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है अभी. डेटर्स डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 119 टू 86.5. ये एक अच्छी बात है. और कॉन्स अगर देखते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा है. कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.49% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स. कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.23% इन लास्ट 3 ईयर्स. डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 8.94% of profit over the last 3 years. Let's go to profit and loss. 2016 से अब तक इसका profit 108 करोड़ से 129 करोड़ तक बड़ा है और last 12 trailing month का जो profit है वो 193 करोड़ है. Now let's go to the shareholding pattern. Promoter shareholding is at 62%, 63% almost. FII have increased their shareholding of 5.32. 10%, DII 12% to 12%, they are constant. And public shareholding reduced from 19 to 1. यानी बड़े लोगों ने इसमें buying की है. Now let's go to ticker tape. Ticker tape में बताइए intrinsic value ज़्यादा है current price से. Return on equity अच्छा है as compared to FD rate. Dividend कम देती है. Entry point अच्छा है और management के बारे में कोई red flag नहीं है. फोरकास्ट में देखते हैं तो 18 एनालिस्ट में से 72% ने इसको बाय रेटिंग दी है और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से कम चल रहा है बट मार्केट शेयर इसका बड़ा है फ्रॉम 7.6 टू 8.27% और नेट इनकम भी इसका कम है इंडस्ट्री एवरेज से 4.7 जो इंडस्ट्री एवरेज है 10.03. नाउ लेट्स गो टू चार्ट. अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ वीकली चार्ट. ईच कैंडल कंसिस्ट ऑफ 1 वीक स्टॉक मूवमेंट. सो ये आप देखेंगे कि स्टॉक वॉज इन डाउन ट्रेंड फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 और एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था. इसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें और अभी ये फिर नीचे आके फिर से एक ब्रेकआउट इसने ये स्मॉलर रेंज में दिया है. ऑल्सो इसका जो RSI है वो अबव 60 अभी है तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है मोमेंटम के हिसाब से भी और इसमें हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विद दिस टॉप हायर रेंज ऑफ 1486 टारगेट. और अगर हम इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं दिस लो से दे हाई तक तो हम देख पाते हैं कि ये 50% के फिबोनाची लेवल से दो बार बाउंस बैक करके ऊपर आया है. अभी 38% का इसने ब्रेकआउट दे के अभी 23% को ये रेजिस्ट हो रहा है. जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो ये 1486 टारगेट छू सकता है. तो देखते हैं इसके लिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बैठता है. अगर हम ये लेवल में यहाँ पे 1265 के आसपास जो है यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा
वो ये लेवल का हो जाएगा, ये स्विंग लो के नीचे, और ये हमारा टारगेट आता है। तो ऑलमोस्ट 1:1, 1:1.3 मिल रहा है, 12% का रिस्क और 16% का प्रॉफिट, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। सो आप ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।